हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जेब्रा मार्बल केक। इसके लिए मैंने चार अंडे लिया, 1.5 कटोरी मैदा, 1.25 कटोरी रिफाइंड ऑयल, 1 कटोरी शुगर, 1/2 कटोरी कोको पाउडर और यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया, इसमें मैंने चीनी और रिफाइंड ऑयल और ठीक है, सारे चीज हमने ग्राइंड कर लिया। अभी एक बोल में निकाल लेते हैं। छन्नी पे मैदा और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर लेके धीरे धीरे इसे छान लेंगे। छानने के बाद चम्मच से थोड़ा मिला लेंगे। मिला के जो बैटर है उसमें हमें डालना है। बैटर में आप मैदा को धीरे धीरे डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक साथ हमें नहीं डालना है, नहीं तो लम्स बन जाता है। हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। इस बैटर को फ्लॉपी हो जाने तक हमें मिक्स करना है। आप जो कोको पाउडर है उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें मिक्स करेंगे। इसमें कोको पाउडर में आपका 1/2 कप दूध डाल के हमने इसे प्रॉपरली मिक्स किया। मैंने एक केक कुकर में बनाएंगे तो कुकर में तेल डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब इस कुकर में हमें बैटर डालना है। इस बैटर को और एक बाउल में हमने डाल लेते हैं क्योंकि इसमें कोको पाउडर मिक्स करना है। कोको पाउडर डाल के और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों बैटर अलग अलग रख दिया। इस बैटर को मैंने 1 कप में डाल लेते हैं। इसी से डिजाइन बनेगा। आप अगर कप नहीं लेके तो कोन कोन भी यूज कर सकते हैं। इसमें दो कप में दो टाइप की बैटर डाल के रेडी कर लिया। आप कुकर में एक एक करके बैटर डालना है। एक के बाद एक बैटर डालना है। इस बैटर को आप जितना अच्छे करके डाल पाएंगे उतना आपका डिजाइन सुंदर होगा। मेरा प्रेशर कुकर में है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। आप अगर केक टिन यूज करेंगे तो आपका प्रॉपरली ये डिजाइन और भी सुंदर बनेगा। तो इस तरह करके हमें पूरा बैटर से हमें डिजाइन बनाना है। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन गया। अब हम एक पिलर लेते हैं, पिलर से उसका ऊपर बाहर की से अंदर की तरह और एक डिजाइन बनाना है। इस टाइम पे आप टूथपिक भी यूज कर सकता है। तो मैंने मेरे पास टूथपिक था नहीं तो मैंने पिलर यूज किया। और जितना बार यूज करेंगे उतना बार उसके साफ करके लेना है। ये देखिए हो गया। अब इसका ऊपर और भी बैटर डाल के डिजाइन बना लेते हैं। बन गए हमारा डिजाइन। आप कुकर को बंद करके गैस के ऊपर रखना है। मैंने एक तवा पे बालू रख के प्रीहीट कर लिया था, उसका ऊपर कुकर बैठाएंगे कि
क्योंकि ऐसे करने से आपका डायरेक्ट हीट कुकर पे नहीं लगेगा, तो आपका केक धीरे धीरे बनेगा और बहुत अच्छा सॉफ्ट स्पंजी होगा। मैंने 40 मिनट रखा था, 40 मिनट का बाद मैं ढक्कन खोल के देख लेती हूँ, केक पूरा फूल गया। तो अब इसमें हम एक नाइफ डाल के चेक कर लेते हैं। देखिए नाइफ क्लीन आ गया, इसका मतलब केक रेडी। मैंने कुकर को 10 मिनट के लिए ठंडा होने दिया था, फिर 10 मिनट का बाद मैंने एक पीस चाकू से काट के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हुआ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इसी तरह केक घर पे बनाइए। तो आज मेरे रेसिपी कैसे लगा कमेंट में बताइए, और हाँ मेरी चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।